हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अन्नू कुमार एंड आप स्टडी कर रहे हैं गीता IAS एकेडमी चैनल पर। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस जो अपलोड किए हैं, 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 जो 6 जनवरी को होने वाली है, उसका सिलेबस डिस्कस किया है मैंने, बुक्स डिस्कस किए हैं, उसके बारे में क्या कुछ स्ट्रेटेजी रखनी है। उन लास्ट वीडियोज़ में मैंने बताया था कि हम पार्ट वन जो लेकर आ रहे हैं 68,500 महाभर्ती के लिए, पार्ट वन हमारा होगा EVS यानी कि सामान्य विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन एवं सामाजिक अध्ययन। इससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट वीडियो जो हम है उससे सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का आगाज करेंगे, उससे शुरुआत करेंगे। आज हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, अब जो सिलेबस में दिया हुआ है देख लीजिए। परीक्षा 6 जनवरी को प्रस्तावित है, 6 जनवरी 2019 को सहायक अध्यापक की जो परीक्षा होनी है, ये सहायक अध्यापक के लिए, सहायक अध्यापक पद के लिए परीक्षा होनी है 6 जनवरी के लिए इसकी डेट डिसाइड है। और उसके सिलेबस में, सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि देखें हम लोग, सिलेबस में क्या कुछ है, किस तरीके से है। सिलेबस में जो सामान्य विज्ञान दिया हुआ है, विज्ञान जो साइंस लिखा हुआ है, ये अलग से 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। सामाजिक विज्ञान है और जो पर्यावरण अध्ययन एवं सामाजिक अध्ययन ये वाला पोर्शन है, ये 10 मार्क्स का है। सो फ्रेंड्स, इस टोटल 20 मार्क्स के पोर्शन को हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसको हम एक ही पोर्शन कंबाइन करके चलेंगे, इन तीनों को हम, ये तीनों EVS में इंक्लूड किए जाते हैं। तीनों जो सेक्शन हैं, तीनों सेक्शन EVS के अंदर आते हैं। ये जो हमारा टोटल पोर्शन हो जाएगा, ये फ्रेंड्स, ये EVS के अंदर आता है। अगर EVS का सिलेबस देखें CTET का, तो उसमें इस तरीके से पूछा जाता है। अब बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम है कि सामाजिक अध्ययन SST, इसमें पोल साइंस, हिस्ट्री, जियो एंड इको इकोनॉमिक्स, इन सब से पूछा जाता है। पेपर में जो पूछे गए हैं, पोल साइंस के 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। EVS में इन तीनों पोर्शन से कुछ भी पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है, पार्ट वन। पार्ट वन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन में हम डिस्कस करेंगे आज टोटल 50 क्वेश्चंस का। 50 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे हम अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन होगा हमारा, नेक्स्ट सेक्शन जो होगा हमारा करंट अफेयर्स के लिए, नेक्स्ट जो सेक्शन होगा हमारा करंट अफेयर, करंट के लिए करेंगे, करंट हिंदी के लिए करेंगे, इंग्लिश के लिए करेंगे। सो जो भी पोर्शन हम करेंगे अब नेक्स्ट में, देखिए बहुत सारे सेक्शन है इसमें, उनको हम तैयार करते रहेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट अपडेट्स यदि उनको चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नेक्स्ट वीडियोज, नेक्स्ट अपडेट के लिए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस मंथ जो भी अच्छे अच्छे अपडेट्स हैं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के, वो मिलते रहें। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करिए, देखिए हमें भी तभी मोटिवेशन मिलता है कुछ करने का, जब आप लोग अच्छे से हम लोगों को सपोर्ट करेंगे। आप लोगों का सपोर्ट मस्ट है, आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो ही कुछ पॉसिबल है, और आप लोगों के लिए मेहनत करने का काम मेरा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो इस टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस हैं, हालांकि मुझे स्टार लगाना चाहिए था इन पे, कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन आपको पता है मैं लेकर आता हूँ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी के ही होते हैं। प्रीवियस पेपर्स में बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, वो बार बार रिपीट हुए हुए क्वेश्चन ही हैं। सो बिल्कुल निसंदेह आप पूरा भरोसा करके इनको, क्वेश्चन को रट लीजिए एज इट इज, इनको लर्न करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, स्टार्ट करते हैं, कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है, और
वित्त आयोग को गठित करता है राष्ट्रपति। वित्त आयोग को गठित करता है राष्ट्रपति। इसमें एक अध्यक्ष होगा, चार अन्य सदस्य। सो इसमें जो एक अध्यक्ष होता है और चार अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, सो आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, भारतीय निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना कब की गई। निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई 25 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसने राष्ट्रीय विकास परिषद NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी। सुपर कैबिनेट ये ध्यान रखना है, किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। ये थे के संथानम। के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। के संथानम, ध्यान रखना है आपको ये नाम, किस किस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, पूछे जाते हैं। यही मैं यूपी टेट की परीक्षा में मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि आप जो पढ़ें अच्छे तरीके से पढ़ें, उसको लर्न करें अच्छे तरीके से और ज़्यादा रिसोर्सेज की ओर ना भागें। जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उनको ही अच्छे से आप ग्रैब करिए, उनको अच्छे से कैप्चर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग। नीति आयोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नीति आयोग की स्थापना कब एवं किसके स्थान पर की गई थी। नीति आयोग देखिए, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी, 1 जनवरी को की गई योजना आयोग के स्थान पर। किसके स्थान पर की गई, योजना आयोग के स्थान पर की गई। नीति आयोग की स्थापना कब एवं किसके स्थान पर की गई, 1 जनवरी 2015 को की गई। नीति आयोग की फुल फॉर्म जरूर पूछता है, नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी वो योजना आयोग के स्थान पर की गई, या उसका नाम चेंज कर दिया गया। योजना आयोग का नाम जो चेंज किया गया 1 जनवरी 2015 को, वो रख दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग एवं इसकी फुल फॉर्म काफ़ी पूछी जाती है, काफ़ी बार पूछी गई, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र एवं राज्य से संबंधित आयोग है। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से देख लेना है। केंद्र एवं राज्य संबंधों से संबंधित आयोग है सरकारी आयोग। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। क्वेश्चन नंबर 7, अकाली दल का चुनाव चिन्ह क्या है। चुनाव चिन्ह अक्सर पूछे जाते हैं, अकाली दल का चुनाव चिन्ह है तराजू। किस राज्य में ये पार्टी है, ये पार्टी है पंजाब स्टेट में। अकाली दल पंजाब स्टेट की पार्टी है और अकाली दल का चुनाव चिन्ह है तराजू। भारत संविधान के कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन से संबंधित उपबंध है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, भाग बहुत पूछे जाते हैं। अभी भी यूपी टेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायती राज किस भाग से संबंधित है। आंसर था भाग 9 से संबंधित है। संविधान के कौन से भाग में निर्वाचन से संबंधित उपबंध है, ध्यान रखना है। 324 से 329, 324 से 329 अनुच्छेद में निर्वाचन से संबंधित उपबंध है। नेक्स्ट देखिए, शिवसेना का चुनाव चिन्ह क्या है, तीर कमान। महाराष्ट्र की पार्टी है शिवसेना, सभी को पता है लगभग, जिन लोगों को नहीं पता है वो भी लर्न कर लेना अच्छे से। शिवसेना का चुनाव चिन्ह क्या है, तीर कमान, महाराष्ट्र की पार्टी है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को, ये छोटे लेवल की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया, 24 जनवरी 1950। फिजी देश की राजधानी क्या है, कैपिटल कभी कभी पूछ लेता है, अब जैसा पेपर आना है उसके अकॉर्डिंग कैपिटल भी पूछी जा सकती है। फिजी देश की राजधानी है सुवा, और यहाँ की करेंसी है, करेंसी भी पूछ सकते हैं, किसी कंट्री की करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कनाडा या मॉन्ट्रियल किस नहर के किनारे बसा है। कनाडा या मॉन्ट्रियल किस नहर के किनारे बसा है, आंसर है सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस नहर के किनारे बसा हुआ है कनाडा, या मॉन्ट्रियल भी पूछा जा सकता है, मॉन्ट्रियल किस शहर के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा को
कौन सी नदी पक्षीपाल डेल्टा या पक्षी के पंजे के आकार का, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये यूपीपीसीएस में आया है, यूपीपीसीएस जो एग्ज़ाम हुआ था 2019, सॉरी 2018 का, उसमें ये पूछा गया है कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाती है या पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। आंसर है मिसिसिपी। ध्यान रखने ना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पहले भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया, क्वेश्चन नंबर 14, विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जैम्बेजी नदी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इम्पोर्टेंट है। विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर है जैम्बेजी नदी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, स्वेज नहर से संबंधित क्वेश्चन अभी यूपीपीसीएस में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869, 1869 में स्वेज नहर का निर्माण हुआ और इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था 1854। ये भी पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण कब से शुरू हुआ। 1854 से इसका निर्माण शुरू हुआ। फर्दिनंद द लेपेप्स, फ्रांसीसी इंजीनियर ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया था। फर्दिनंद द लेपेप्स फ्रांसीसी इंजीनियर है, इसने इसका निर्माण कार्य शुरू किया था 1854 में। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में इसका नहर का निर्माण हुआ था और 1854 से इसका स्टार्टिंग हुई थी फर्दिनंद द लेपेप्स फ्रांसीसी इंजीनियर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, गोरो की कब्र किसे कहा जाता है? गिनी तट, गिनी तट पश्चिमी किनारा, अफ्रीका का जो पश्चिमी किनारा है उसे गोरो की कब्र, ये सरनेम दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से, टाइटल उपनाम है, गोरो की कब्र किसे कहा जाता है? नेक्स्ट, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सातवाहन वंश की राजधानी व संस्थापक का नाम बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री में। देखिए, सातवाहन वंश की राजधानी एवं संस्थापक का नाम बताओ। सातवाहन वंश की राजधानी है प्रतिष्ठान, संस्थापक है सिमुक। क्वेश्चन नंबर 19, दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की एज इट इज पॉसिबिलिटी है। 1843 में एलन ब्रो, गवर्नर जनरल एलन ब्रो ने 1833 के चार्टर के अनुसार, ये भी पूछा जा सकता है किस चार्टर के अधिनियम के तहत दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। एलन ब्रो, गवर्नर जनरल एलन ब्रो ने 1843 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे? शिशिर कुमार घोष, आंसर है शिशिर कुमार घोष। 1868 में कलकत्ता से ये निकलती थी, बंगला समाचार पत्र। ये कैसा समाचार पत्र है? बंगला समाचार पत्र है, अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, 1868। नेक्स्ट आइए, भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना कब की गई? भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना की गई 1550, 1550 में पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना की गई थी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, ली आयोग किससे संबंधित था? ली आयोग लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा, भारत में जो लोक सेवा आयोग है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके गठन की अनुशंसा की थी 1924 में ली आयोग ने, और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड ली, और उस टाइम पे इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रीडिंग, रीडिंग गवर्नर जनरल था, और ली आयोग संबंधित था लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा इसने 1924 में की थी। नेक्स्ट देखिए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछी जाती है, डेट सहित पूछा जाएगा। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को हुआ था, गांधी इरविन समझौता, ये डेट पूछी जाती है इसकी, 4 मार्च लर्न रख लेना है, 4 मार्च, 4 मार्च 1931, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 4 मार्च 1931। इलाहाबाद से 1857 की क्रांति के भारतीय नायक थे, ये पीसीएस, पीसीएस अभी 18 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन भी अभी, ये पीसीएस के क्वेश्चन में मैचिंग में था। इलाहाबाद से 1857 की क्रांति के भारतीय नायक थे लियाकत अली। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 25 भी, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1923 में
ईयर भी पूछा जाता है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। सो फ्रेंड्स, ईयर भी पूछा जाता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कि अन्य किस नाम से जाता है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम? न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे वीडियोज के अगर कोई क्वेश्चन 80% लगा रहा है, उसको करेक्ट आंसर पता है, तो समझ लिए वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा, सहायक अध्यापक भर्ती में टॉप करेगा एकदम से। गैलीलियो का जड़त्व का नियम है, जो भी इसको नियम को बताइए, एक्सप्लेन करिए क्या है जड़त्व का नियम, कमेंट में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। गैलीलियो का प्रथम नियम, सॉरी गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम या न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है, किस जिसको भी मालूम है वो कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी 28, जी स्मॉल जी, गुरुत्व का मान न्यूनतम होता है, इक्वेटर, विषुवत रेखा पर जी का न्यूनतम मान होता है, और जी का जो मान माना गया है, सार्वत्रिक मान क्या माना गया है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी पूछा जाता है मोस्टली। जी का गुरुत्व का न्यूटन गुरुत्व का मान जो है न्यूनतम होता है इक्वेटर पर, और जी का मान कितना होता है? 9.8 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्लायन वेग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, प्लायन वेग का मान कितना होता है? 11.11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्लायन वेग वह वेग होता है जिससे अगर पृथ्वी से किसी वस्तु को प्रक्षेपित या फेंका जाए, इस वेग से फेंका जाए, तो वह पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आएगी, पृथ्वी के अंतरिक्ष से जो है पृथ्वी से बाहर चली जाएगी, वो वापस फिर लौट कर नहीं आएगी, और वो वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। परम शून्य तापमान होता है, परम शून्य तापमान होता है -273.15 सेल्सियस। परम शून्य तापमान होता है कि इससे नीचे किसी जो सबसे कम न्यूनतम मान माना गया है, ये -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है, इससे नीचे टेम्परेचर का ये न्यूनतम मान माना गया है, सो इसी को कहा गया है परम शून्य तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, बहुत कंपटीशन में आ चुका है, बार बार पूछा जा चुका है, 31 बहुत बार घिसा पीटा क्वेश्चन है एसएससी का, एसएससी टाइप के सही क्वेश्चन पूछ रहा है, सहायक अध्यापक भर्ती और यूपी टेट का जो अभी हाल देखा है, यूपीपीसीएस का, उसमें एसएससी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है अडैप्टर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है? जो सूर्य से पृथ्वी को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो प्रति सेकंड 4 गुना, वो प्राप्त होती है 4 गुना 10 की पावर 26। जो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा होती है वो 4 गुना 10 की पावर 10 की घात 26 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड प्राप्त होती है। समुद्र, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, समुद्र की गहराई मापने का उपकरण है, समुद्र की गहराई मापने के उपकरण को क्या कहा गया है? फैदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने का उपकरण है फैदोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, बहुत बार पूछा गया है, सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन। सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया था, वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया था हार्ले मशीन कंपनी यूएसए, 1907 में किया था ये, वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया गया था हार्ले मशीन मिशन हार सॉरी हार्ले मिशन कंपनी के द्वारा, जो यूएसए की थी, 1907 में इसका आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, किस कोयले में 70% कार्बन पाया जाता है? किस कोयले में 70% कार्बन पाया जाता है? आंसर है बिटुमिनस कोयला। एंड कोयले से रिलेटेड और भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो भर्ती होगी अध्यापक भर्ती परीक्षा, सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो भर्ती परीक्षा के, वो कमेंट करके ये बताइए कि सर्वाधिक कार्बन का प्रतिशत किस कोयले में पाया जाता है और सबसे कम
कार्बन का प्रतिशत किस कोयले में पाया जाता है, एवं एक क्वेश्चन बनता है भूरा कोयला किसे कहा जाता है। इन तीनों क्वेश्चंस के आप आंसर कमेंट करके बताइए। अगर आप एक्टिव हैं तो वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करिए, या जैसे ही देख रहे हैं आप लोग कमेंट करिए, साथ के साथ कमेंट करना आपकी सीरियसनेस को शो करता है। अब यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप लोग इस तरीके के आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, टंगस्टन का संकेत क्या होता है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जिसको फिर सरप्राइज कहते हैं, सरप्राइज बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, टंगस्टन का संकेत होता है W, कैपिटल W। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आंसर है गैलियम। वह धातु जो कमरे के ताप पर, धातु है ये ध्यान रखना है, धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, दैट इज गैलियम। सबसे भारी धातु, सबसे मजबूत धातु, सबसे कठोर धातु कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 40, कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, तीनों भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने पूछा है सेम है जिस चीज, तीन जोड़े में, तीन पेयर्स में पूछा जा सकता है। सबसे भारी धातु कौन सी है, ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु है। सबसे मजबूत धातु कौन सी है फ्रेंड्स, सबसे मजबूत धातु है टंगस्टन। एवं सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु है क्रोमियम। सबसे कठोर धातु होगी आपकी क्रोमियम। एंड क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसके कारण उत्पन्न होता है। आतिशबाजी जो पटाखे ये सब करते हैं आतिशबाजी के दौरान, जैसे अभी दीपावली गई है, आपने देखा होगा कि लाल चटक रंग होती है जब आतिशबाजी होती है, उसके दौरान लाल चटक रंग हमको लोगों को दिखाई देती है, वो किसकी वजह से होती है, वो अस्ट्रॉन्सियम। अस्ट्रॉन्सियम की वजह से वो लाल चटक रंग अस्ट्रॉन्सियम की वजह से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण संस्थान अवस्थित है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण संस्थान अवस्थित है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 43, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। 43 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पोल्यूशन पर आजकल बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहा है। और आपको मैं बता दूँ, PCS में भी NGT करके एक आया था, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इससे रिलेटेड कोई संस्था थी, वो पूछी गई थी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। सो फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट एंड जो आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, पोल्यूशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आजकल कंसर्न बढ़ता जा रहा है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बहुत हो गया है, सो उससे रिलेटेड ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। PM क्या है, PM, MSPM से क्या तात्पर्य है, और ये किस से रिलेटेड है, ये भी पूछा जा सकता है। PM जो टर्म है वो किस से रिलेटेड है, आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन में आपके होंगे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, तो आपको आंसर करेक्ट करना होगा, और जो कि बहुत ज़्यादा है डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसी सिचुएशन में, अगर आपने कोई टर्म नहीं पढ़ी है। आजकल जो दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा आता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, SPM एंड PM, जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, पार्टिकुलेट मैटर कणकीय पदार्थ या निलंबित कणकीय पदार्थ, SPM। यो जो PM का वैल्यू, अभी आपने अगर न्यूज़ में, अगर आप करंट में हो तो बार बार न्यूज में आता है दिल्ली में PM का मान बढ़ गया है, PM घट गया है, PM इतना ज़्यादा डेंजर लेवल में चला गया है। तो इस तरीके के न्यूज़ आते हैं न्यूज़ में, जो सॉरी हमारा जो वातावरण से रिलेटेड, जो जलवायु से रिलेटेड हमारे जो शोध केंद्र है वो देते रहते हैं, पर्यावरण में कितना ज़्यादा हो चुका है, PM कम हो चुका है, SPM कितना है। तो इस तरीके के जो टर्म्स है वो पूछे जाते हैं, जो करंट न्यूज़ में होते हैं, ये करंट में पूछा जा सकता है, और आपका स्टेटिक्स GK में तो आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। आपको अपडेट रहना होगा, अगर आपको भर्ती परीक्षा में रहना है तो न्यूज़पेपर इस तरीके से थोड़ा सा अपडेट तो रहना ही होगा। वायु प्रदूषण से संदर्भ में PM और SPM का क्या तात्पर्य है। PM पार्टिकुलेट मैटर कणकीय पदार्थ, SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर निलंबित कणकीय पदार्थ, ये पूछा जाएगा इस तरीके से कि इनका तात्पर्य क्या है, फुल फॉर्म क्या है, किससे संदर्भ में है। यहाँ तो डायरेक्टली लिखा हुआ है वायु प्रदूषण के संदर्भ में, बताइए। नेक्स्ट, RBC का जीवन काल कितना होता है, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है। 44 क्वेश्चन, 20 से 120 दिन होता है रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स होता है
आरबीसी कहा जाता है, इसका जीवन काल होता है। मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू ज्वर के कारण, डेंगू बुखार के कारण प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। विटामिन बी सेवन की किस बी सेवन की कमी से क्या क्या होता है, जैसे बालों का झड़ना, बालों का गिरना, ये सब प्रॉब्लम्स किसकी वजह से होती है? विटामिन बी सेवन की कमी से होती है। और भी बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइए कि विटामिन बी सेवन की कमी से क्या हो, क्या रोग होता है, कौन सी बीमारी रोग होते हैं, और विटामिन बी सेवन का कोई एक दो सोर्स बताइए आप लोग कमेंट करके। फास्ट बताना है आपको, कमेंट करना सीखिए, कमेंट करना होगा, भर्ती परीक्षा है, मेहनत मेहनत किसी भी कंडीशन में करनी होगी। चाहे आप अगर टीचर बनना है, मेहनत तो करनी होगी, चाहे ज़बरदस्ती करिए और चाहे ना करिए, नहीं करोगे तो बस फिर भगवान मालिक है आप लोगों का, ऊपर वाला जानता है क्या होगा। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। बायोटीन किसकी कमी से होता है? बायोटीन के सोर्सेज क्या हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, रेबीज बीमारी से प्रभावित अंग, रेबीज जो बीमारी होती है उससे प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र, और ये किस वायरस की वजह से होता है? रेबडो वायरस। रेबडो वायरस के फैलने से होता है। इसमें क्या होता है, जो भी ग्रसित व्यक्ति है वो जीभ बाहर निकालने लगता है, उसको पागलपन हो जाता है, एक तरीके से जीभ बाहर निकालने लगता है और रेबीज बीमारी हो जाती है, वो काटने काटने जैसी हालत में हो जाता है उसको। नेक्स्ट 48, गंजापन किस कवक से होता है? टीनिया कैपिटिस। गंजापन किस कवक से होता है? ध्यान रखना है, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ एंड वायरस एंड आपके फंगस, ये तीन चार चीज़ें होती हैं। कौन किस से फैलता है, कहाँ से फैलता है, किस तरीके से फैलता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, डेंगू वायरस से होता है, एंड जो भी है, मतलब आप इस तरीके के क्वेश्चंस ये मान लीजिए और नहीं आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, गंजापन हो गया, गंजापन किस कवक के कारण होता है? टीनिया कैपिटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, पोलियो वैक्सीन का विकास किया गया था? पोलियो वैक्सीन का विकास किया गया जोनास साल्क एंड एम एंड अल्बर्ट साबिन। पोलियो वैक्सीन है जो उसके टीका की खोज की गई थी, आविष्कार किया गया था जोन्स साल्क एवं अल्बर्ट साबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन ओ पार्ट वन, पार्ट वन जो हमारी सीरीज है 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, उसका आज का अंतिम प्रश्न, हिप्नोलॉजी किससे संबंधित है? हिप्नोलॉजी जैसे साइकोलॉजी, हिप्नोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, इस तरीके से संबंधित होते हैं किसी अध्ययन से, रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड टू एनी एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी, एनी पर्टिकुलर थिंग्स स्टडी होती है, इनमें कुछ भी इस तरीके का होता है, हिप्नोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, जो भी लॉजी लॉजी लगा होता है। तो ये हो गया आपका हिप्नोलॉजी, नींद का अध्ययन इसमें किया जाता है, स्लीपिंग जो कि सबको बहुत प्यारी होती है, नींद, नींद का अध्ययन, सर्दी का मौसम है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, हिप्नोलॉजी किससे संबंधित है? नींद का अध्ययन। सो नींद अच्छी तरीके से लेनी है सर्दियों में, पेपर भी देना है। एंड फ्रेंड्स, जुड़े रहिए आप, जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं, अदर जितने भी आपकी जानकारी में जिनके मार्क्स यूपी टेट में 85+, ओबीसी एससी जनरल 90 या 95 अबव बन रहे हैं, वो लोग अपने फ्रेंड्स को भी हमारे YouTube चैनल गीता आईएएस एकेडमी को सजेस्ट कीजिए कीजिए, उनको बताइए कि भाई देखिए चैनल, देखिए, इससे जुड़िए, अपनी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है, तैयारी स्टार्ट कीजिए, बैठना नहीं है, आराम से नहीं बैठना है कि आप बैठे हैं आराम से, मुँह से 10-15 दिन निकाल रहे हैं, रिजल्ट आएगा, ये सब आएगा। अगर आप लोग सीरियस कैंडिडेट्स हैं तो ही आप जुड़ेंगे गीता आईएएस एकेडमी चैनल से और बेनिफिट उठाएंगे जल्दी से जल्दी। अदर कैंडिडेट्स अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करना ना भूले, जितने ज़्यादा लोग लाइक्स, जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे, जितना ज़्यादा अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे भी उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, मैं उससे भी अच्छे वीडियोज़ बनाऊंगा आपके लिए ईवीएस, और बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे जिनकी एग्जामिनेशन में एज इट इज पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, आप लोगों का रिस्पॉन्स वैसे बहुत अच्छा मिल रहा है, मुझे अच्छा लगा है, एंड बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए गीता आईएएस एकेडमी चैनल से, और वेट करिए नेक्स्ट अपडेट्स का, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, उससे आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहेंगे, बहुत
बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ज़्यादा बुक्स में सिलेक्टेड पढ़िए, अच्छा पढ़िए। बाय बाय, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।